अरे यार, क्या होगा इस उम्मत बहुत का। गलत हो रहा है भाई, बहुत गलत हो रहा है। फिलिस्तीनियों पे अजाब आया हुआ है, टर्की में अर्थक्वेक आ रहे हैं, बेहयाई आम हो गई है, फहाशी आम हो गई है। इस पूरी उम्मत में ना इत्तेहाद की कमी है, मैं बता रहा हूँ। इत्तेहाद की तो कमी है, इतना सा एफर्ट तो कर नहीं रहे, पूरे यूएस के गुलाम हुए बैठे हैं। हर जगह मुसलमान जो है जलील है या तो परेशान है। या अल्लाह मुझे किसी लायक बना दे, इंशाल्लाह रिवोल्यूशन ले आऊंगा। अजान हो गई। इंशाल्लाह तू सो क्यों रहा है, नमाज नहीं पढ़ेगा क्या? कल से पक्का जाऊंगा, आज वो थोड़ा मैं नापाक था। क्यों, तेरे आसपास पत्थर नहीं दे गया? अभी तो तू बड़ी रिवोल्यूशन लाने की बातें कर रहा था, उम्मत को साफ सुथरा करने की बात कर रहा था, खुद को तो साफ सुथरा करा नहीं जा रहा तुझसे। जुमलेबाजों को अल्लाह ताला नहीं चुनता रिवोल्यूशन लाने के लिए। तू तू जब पर्सनल लेवल पे एफर्ट नहीं कर सकता तो कम्युनिटी लेवल पे क्या एफर्ट करेगा? नियत भी तो होती है ना, अल्लाह ताला नियत देखता भाई, है। ये नियत वाला टोटका मेरे सामने मत लेकर। क्या इमाम हुसैन की नियत कमजोर थी? करबला में वो आखिरी वक्त में नमाज पढ़ के गए, शायद इससे भी तेरे कान पे जू तक ना रहे। सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदे या कुफ्र और ईमान के बीच की जो दीवार है वो है नमाज। जो उसको छोड़ता है गोया कि उसने कुफ्र किया। अगर तू दिन भर में 5 बार अल्लाह ताला के सामने कुफ्र कर रहा है, शिर्क कर रहा है, और फिर तुम ये सोच रहे हो कि अल्लाह ताला तुमको एक दिन रिवोल्यूशनरी इंसान बना देंगे, तो तुम पट्टी पढ़ा रहे हो खुद को और लोगों को भी। तू जा, मैं नहा के आता हूँ।